मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी जी वीडियोस तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की हमारी यह वीडियो खास उन लोगों के लिए बनाई गई है जो पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से कह लो ऐसी वीडियो YouTube पर डाल रहे थे कि एक रुपए का सिक्का यहाँ पर रखो रातों रात करोड़पति, दो रुपए का सिक्का वहां रखो रातों रात करोड़पति, या दस रुपए का सिक्का, व्हाटएवर जो भी वो कहना चाह रहे थे। लेकिन मेरे कुछ भाइयों ने कुछ बहनों से हमसे भी सवाल किया था कि आप कुछ ऐसा बताएं कि सिक्का हम कहां पर रखें और किस दिन रखें जब इसका प्रभाव हो। लेकिन हमारे बताने से पहले मैं उन लोगों से कुछ सवाल करना चाहूंगा जिन लोगों ने यह टोटका आजमाया था, क्या उनका कोई सुधार हुआ है? क्या वह बन गए करोड़पति? मित्रों, साफ साफ अक्षरों में ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सिर्फ यही बात है आपके लिए कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सिक्का रखने से कभी कुछ होता तो एक गरीब आदमी के पास सिर्फ सिक्के ही होते हैं, नोट नहीं, और वो कब का करोड़पति बन गया होता। ऐसा कोई पेड़ नहीं लग जाता कि एक सिक्का डाला और पेड़ कुत्ते आ गए उसके ऊपर से नोट उतार लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मित्रों, ऐसे ऐसे लोग ही उपाय टोटके के ऊपर से लोगों का विश्वास उठा देते हैं और फिर जब कुछ नहीं होता तब यही कहेंगे कि आपने कुछ गलत कर दिया, अदरवाइज टोटका तो बहुत जानदार था क्योंकि उन्होंने चाहे एक रुपया ना रखा हो लेकिन लोगों को जरूर बताएंगे। मित्रों, उन लोगों से हम ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते कि धन लाभ के उपाय ना बताएं, ना ही आपसे कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि धन लाभ के उपाय ना करिए। उपाय करो, लेकिन जो उपाय ठीक हो वही करो, अन्यथा ऐसा ना हो कि एक दिन आपके ही मुख से निकल जाए कि उपाय टोटके करने से कुछ नहीं होता, हमने सब करके देख लिया ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वाकई में एक रुपए वाले सिक्के के या दस रुपए वाले सिक्के से अगर कोई करोड़पति बना हो तो बेशक से आज हमारे आगे आए, हम भी देखना चाहेंगे ऐसे व्यक्ति को। मित्रों, सबसे पहले बात तो ये कि कोई भी उपाय आप करो धन लाभ से संबंधित, तो कभी ये मत सोचो कि यह उपाय करने के बाद आप करोड़पति बन जाओगे। सदैव ईश्वर से इतना मांगो कि कभी आपको पैसे की कमी ना आने पाए, आपकी जरूरतों में कोई कमी ना आने पाए, और अपनी पॉकेट के अनुसार अपनी जरूरतों को रखोगे तो कभी भी पैसे में कोई कमी नहीं आएगी। और बिना किसी इच्छा के कोई उपाय करके देखिए, आपको उतना कुछ मिलेगा जिसकी आपने कभी कामना भी नहीं की होगी, ना ही कभी सोचा होगा कि वाकई में ही यह सब मुझे मिल सकता है। तो मित्रों, सीधा एंड पे आते हैं और यही बात कहते हैं कि वीडियो जो इस तरह की बना रहा है कृपया वो भी सोच समझ के ऐसा कार्य करे, और जो देख रहे हैं वो भी अपनी सोच अपनी बुद्धि को लगाकर फिर कोई उपाय करे। तो आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो पर और जानते हैं 15 अक्टूबर 2017 को क्या ऐसा खास है और क्या ऐसा खास आप करें जिससे कि आपको फायदा ही फायदा हो, लाभ ही लाभ हो। लेकिन यह सब जानने से पहले मित्रों, हमारे साथ जुड़ने के लिए किसी भी वीडियो के नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब को अभी दबाएं और इसको दबाने के बाद इसके साथ लगी बेल को भी दबाएं ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, धन्यवाद। तो मित्रों, 15 अगस्त 2017 को है रमा एकादशी। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है। इस एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। एकादशी के सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का
फल मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, दान करने से, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। वही फल सिर्फ इस एकादशी को सुनने मात्र से मिल जाता है। तो मित्रों, ऐसी चमत्कारी एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय आपको वह सब फल दिलवा सकता है जो आप चाहते हैं, या जो भी आप अपने ईश्वर से, अपने भगवान से मांगना चाहते हैं, उस इच्छा की कामना करते हुए यह टोटका, यह उपाय करेंगे तो अवश्य ही आपको वह प्राप्त होगा। मित्रों, रमा एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निर्मित होकर दो छोटी इलायची और दो बेसन के लड्डू, किसी भी नजदीकी मंदिर में चले जाइए आप, जहां पर भगवान विष्णु की मूर्ति हो, छवि हो, उस मंदिर में जाइएगा। और अगर भगवान विष्णु की मूर्ति या छवि के पास तक जाना आपके लिए संभव ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति मंदिर के पास नहीं रहता और सुबह सुबह और भी बहुत काम होते हैं सिवाय इनके, तो मित्रों आप किसी भी नजदीकी या आपके रास्ते में जो केले का वृक्ष पड़े, केले का वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु जी हैं, अगर उसके आसपास आप ये टोटका कर सकते हैं तो वहां भी कर लीजिएगा। तो आपने करना क्या है, दो छोटी इलायची लेनी है और दो बेसन के लड्डू भगवान विष्णु जी के मंदिर में उनके आगे उनको भोग लगवाएं और उनसे जो भी आप मांगना चाहते हैं वह अपनी इच्छा प्रकट करें। मित्रों, वैसे तो देखा जाए भगवान से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह सदैव जानते हैं कि आप उनके पास किस भावना से आए हैं और क्या मांगने आए हैं, लेकिन फिर भी आपके स्वर उनके दिलों तक जाते हैं। इसीलिए अपने मुख से एक बार स्वयं खुद कहिए कि आपको क्या चाहिए, और अगर इस उपाय से भी वह पूरा ना हो तो समझ लीजिएगा कि आपके लिए कुछ और बहुत खास, बहुत अच्छा भगवान ने सोचा हुआ है, क्योंकि वह कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है कि उस समय में वह चीज आपके लिए सही नहीं होती। तो मित्रों, यह तो था उन व्यक्तियों के लिए जो नौकरी पेशे वाले हैं, और अगर कोई महिलाएं कुछ करना चाहती हैं तो वो महिलाएं कुछ समय निकाल कर खीर बनाएं, भगवान को खीर का भोग, उसमें पंचमेवा डाल के और एक तुलसी का पत्ता डालना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एक तुलसी का पत्ता डालकर खीर में उसका भगवान विष्णु को भोग लगवाएं, उन्हें अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। मित्रों, हम यह नहीं कहेंगे कि आप उनसे कहो कि यह खीर आपके लिए और एक तुलसी का पत्ता इसमें मैं डाल के लाया हूँ और मुझे करोड़पति बना दो, और कल अगले दिन आप करोड़पति नहीं बने तो आप फिर कहोगे कि स्वामी जी वीडियोस की वीडियो ही खराब थी, वह टोटका ही खराब था। लेकिन नहीं मित्रों, एक बार सिर्फ यही कहना कि जो आप चाहते हैं वह पूर्ण हो और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना आए, आपको जब जहां जितने पैसे की जरूरत हो वह सब कुशल मंगल पूर्ण हो जाए। आप स्वयं देखिएगा, आपको कभी भी धन की कमी नहीं आने देंगे, अगर सच्ची भावना और सच्ची निष्ठा होगी तो। मित्रों, जिन व्यक्तियों को यह वीडियो पसंद आई वह लाइक करें, और जिनको नहीं पसंद आई या जिनको सिर्फ एक रुपए के सिक्के वाली ही वीडियो पसंद आती है वह बेशक से डिसलाइक करें, ताकि हमें भी पता लगे कौन सी वीडियो लोगों को ज्यादा पसंद आती है और ज्यादा प्रभाव करती है। आज के लिए इतना ही मित्रों। स्वामी जी द्वारा किसी भी प्रकार की मुफ्त सलाह के लिए सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक और हर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें।
इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस भविष्य में भी देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल स्वामी जी वीडियोस तथा ओम नमो नारायण को अभी सब्सक्राइब करें। ज्यादा मुश्किल नहीं है मित्रों, सिर्फ इस फोटो को दबाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो।